जमुई से सांसद चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जन्मदिन पर फूट फूट कर रोए। दरअसल रामविलास पासवान के जन्मदिवस पर मंगलवार को हाजीपुर में चिराग पासवान उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वे बेहद भावुक हो गए, जिसके बाद वे मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। चिराग को रोता देख वहां मौजूद उनकी माँ और बहन की भी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद चिराग मंच पर ही अपनी माँ और बहन से लिपट कर रोने लगे और अपने आंसू नहीं रोक सके। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया था। चिराग शुरू से ही अपने पिता के बेहद करीब थे और शायद यही वजह थी कि वे अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए।